हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं बात करूँगी सपने में सांप देखने का क्या मतलब है। जब भी हम इंसान जब भी सोते हैं तो हमें सपने दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ सपने हमें याद रहते हैं तो कुछ सपने भूल जाते हैं। और हर इंसान को सोते समय सपने आते ही आते हैं। कुछ सपने डरावने होते हैं तो कुछ सपने अच्छे होते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार सपने में सांप दिखाई देने के कई मायने होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि सपने में आप सांप से डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी अपने खास नज़दीक मित्र से विश्वासघात मिल सकता है। यदि सपने में आप सांप को मार रहे हैं या फिर सांप को पकड़ रहे हैं तो इसका मतलब है दुश्मन पर आपकी विजय हो सकती है या फिर आपको अचानक से धन मिल सकता है। यदि सपने में आप सांप और नेवले की लड़ाई देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको आने वाले दिन में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यदि आप सपने में सांप के दांत देखते हैं तो इसका मतलब ये है नज़दीकी रिश्तेदार से आपको हानि या फिर धोखा मिल सकता है। यदि आप सपने में देखते हैं कि सांप छत से गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि घर में बीमारी आने वाली है या फिर आप बीमार पड़ सकते हैं। या ये भी हो सकता है आने वाले दिन में आपको कचहरी जाना पड़े और आपको इसमें काफ़ी हानि होगी। यदि आप सपने में देखते हैं कि आपको सांप ने काटा या फिर डस लिया, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को जल्दी ही किसी भयंकर बीमारी के चपेट में आ सकता है। यदि आप सपने में देखते हैं कि सपने में सांप का मांस या फिर आप देख रहे हैं सपने में आप सांप को खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपार धन मिल सकता है, पर ये धन आपको रुकेगा नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए।